लेडीज में पॉकेट्स भी हैं तो आप थोड़ा स्टाइल भी मार सकते हैं, ऐसे पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब अगर नॉट खुल गई देन यू आर गॉन। दोस्तों मेरे साथ धोखा भी हुआ है इस पूरे सारा दिन लाता नहीं तू सजने सजाड़ दे सूरज भी चुप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, H&M स्टोर में मैं गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी थी, तो मैं वहाँ से काफ़ी अच्छी शॉपिंग करके आई थी। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको एक हॉल वीडियो दिखाऊंगी, उस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था, बट आपको पता है उसमें अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ था एंड आई ट्राइड कि मैं आपको बेस्ट बेस्ट आउटफिट सारे दिखा पाऊँ जो भी वहाँ पे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ वो भी जाके देखें क्योंकि मैंने आपको पता चले मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया। बहुत अमेजिंग कलेक्शन था, अच्छी सेल लगी हुई थी। बट यस, मैंने बहुत कुछ लिया है जो मैं आपको एक ट्राई ऑन हॉल दिखाऊंगी। कुछ कुछ आउटफिट जो मुझे 50-60% ऑफ पे मिल गए, तो यस चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट टॉप दैट आई हैव गॉट फ्रॉम H&M। ये टॉप मुझे बड़ा प्रिटी लगा, मतलब आप इसकी बैक देखोगे तो वो बहुत अच्छी है। ये बैकलेस टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्लीवलेस ब्लैक कलर में। और कैन यू गेस द प्राइस मुझे कितने का मिला? ये मिला मुझे मात्र 200 रुपए का। ऐसे प्राइसेस H&M मतलब ब्रांड में मिल जाए और क्या चाहिए, मतलब सरोजनी नगर वाला प्राइस। और मुझे इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी लगी, अगर मैं इसे जीन्स के साथ अच्छे से पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कंफर्टेबल भी है क्योंकि कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने लिया था स्मॉल साइज में, इसमें बहुत सारे साइजेस सबके अवेलेबल थे तो मुझे आराम से मिल गया मेरा साइज, ये मैंने लिया। अभी आगे मतलब हाई करना चाहते हो, नेक के इधर पास करना चाहते हो, उस हिसाब से इधर आप ये नॉट है ये बांध सकते हो, तो ये कंफर्टेबल है। आप चाहे थोड़ा लूज कर सकते हो या थोड़ा टाइट। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉप, कस्टर्ड कलर का टॉप, स्लीवलेस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे पड़ा मात्र 150 रुपए में। वैसे मुझे स्मॉल साइज आ जाता है बट इस टॉप में मैंने मीडियम साइज लिया था तो मुझे मीडियम साइज परफेक्ट आ रहा है। ये भी और 150 रुपए में पड़ गया तो वाई नॉट, तो सेल का फायदा तो उठाना था ही ना। इसमें भी बहुत सारे साइजेस अवेलेबल थे, मुझे स्मॉल ना थोड़ा सा मैंने ट्राई तो किया था, मुझे थोड़ा टाइट आ रहा था इसलिए मैंने सोचा मुझे मीडियम ही परफेक्ट आएगा। अगर मैं हाई वेस्ट जीन्स के साथ अच्छे से स्टाइल करूंगी ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा और कपड़ा भी बड़ा ब्रीदेबल है, तो मतलब ऐसा नहीं गर्मी लगी है कुछ लगेगी, तो ये टॉप भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हॉल्टन नेक टॉप है, इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी थे बट हर कलर पे सेल नहीं थी। इस कलर पे सेल थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही कलर ले लो, क्योंकि ये कलर मुझे अच्छा ही लगा, मतलब समर्स के हिसाब से भी। ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्लैक व्हाइट ज्यादा हो गए थे, उससे अलग लेना था तो मुझे येलो कलर मिल गया, ये मैंने कलर ले लिया। ये है नेक्स्ट टॉप जो मैंने H&M से लिया, ये मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे ट्राई भी किया था इसलिए मैं रेजिस्ट भी नहीं कर पाई इसे लेना, बट आई मस्ट से इसे पहनना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि ये आप देखो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉपर स्टिच टॉप है, सॉर्ट ऑफ अ कपड़ा है, इसे पहनना भी बड़ा ट्रिकी है। यहां से देखोगे तो आपको पीछे बटन मिलेगा, वो आप आगे नेक से बांधोगे, फिर पीछे तो आपको बस नॉट टाई करनी है। बड़ा अच्छा टॉप है, आई कुडंट रेसिस्ट द टॉप, मैंने ट्राई किया था ये, आई कुडंट रेसिस्ट द टॉप, बट मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब अगर नॉट खुल गई देन यू आर गॉन, तो मुझे लगता है इसको पता नहीं कैसे पहनना चाहिए, या तो आपको पहले अंदर ट्यूब टॉप वो पहन के पहन सकते हो टॉप, वरना ऐसे तो ना ही पहनो। मैंने इसलिए ले लिया, मैंने सोचा मैं सिक्योरली पहन लूंगी इस टॉप को क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा लगा। ये व्हाइट कलर में भी था आई थिंक, बट सेल जो थी इस कलर पे थी, ये मैंने स्मॉल साइज में लिया। बड़ा अमेजिंग टॉप लगा, थोड़ा सा डिफरेंट सा, मतलब थोड़ा अलग लगा बाकी टॉप से, इसलिए मैंने लिया। एक मैंने ये टॉप लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैश टॉप है, बड़ा हाई क्वालिटी का नेट है और अंदर मैंने इसे पेयर किया है अपने ही, मेरे पास कोई एक टैंक टॉप पड़ा था ब्राउन कलर का, थोड़ा सा शेड डिफरेंट है बट अच्छे से जा रहा है। इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी हैं, ये मैंने स्मॉल साइज में लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, फुल स्लीव्स का था तो मुझे लगा क्यों ना ले लेना चाहिए था, सेल पे था। आगे यहाँ पे नॉट है, मतलब आप ये किसी ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हो, मतलब स्लीवलेस चीजों के ऊपर पहन सकते हो, वैसे भी इसे यूज कर सकते हो एक प्रॉपर टॉप की तरह भी, चाहो तो आप ब्लैक भी पहन के देख सकते हो इसके अंदर टैंक टॉप, वरना मुझे लगता है सेम कलर का ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सॉफ्ट सा मैश है ये, बड़ा अच्छा सा है। ओरिजिनल प्राइस में तो मुझे नहीं लगता है इसकी वैल्यू इतनी है जितना ओरिजिनल प्राइस है, बट मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे काफी अच्छा लगा ये टॉप। नेक्स्ट मैंने अगेन ऐसी एक कोटी ली जो मैंने आपको ब्राउन में दिखाई ना, थोड़ी बहुत सिमिलर ही है, वैसी ही मैंने ली इधर मैश पैटर्न में, एनिमल प्रिंट है शायद ये एनिमल प्रिंट होता है ना, पता नहीं स्ट्राइप्स टाइप है, पता नहीं जो भी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर लगा मुझे तो मैंने ये ले लिया। पता नहीं मैश मुझे इतना क्यों अट्रैक्ट करे, मुझे लगता है मेरे पास ना स्लीवलेस ड्रेसेस है, मुझे चाहिए कि यार
अपना पहन के निकल जाओ कंफर्टेबल, जब आपने वैक्स वूक्स नहीं करी हुई, इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये स्मॉल साइज में लिया। इस पे भी सेल थी, ये मुझे अच्छा लगा। इसके साथ तो मैं व्हाइट पहनने वाली हूँ, बट मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बस ब्राउन के साथ दिखा दिया। इसके साथ इसको मैं किसी और तरह से स्टाइल करूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं इन कपड़ों को कैसे स्टाइल करती हूँ, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना यूजर नेम कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगी। अगर आपको अच्छा लगा कॉन्टेंट जिसमें मैं बहुत सारी रील्स भी बनाती हूँ अपनी वॉइस में, तो आप चेक कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी देखना। अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। तो यस, ये मैंने लिया एक। तो दोस्तों, मैंने सोचा इतने सारे टॉप ले लिए, कुछ बॉटम के लिए भी ले लिया जाए कुछ, इसलिए मैंने लिए हाई वेस्ट पैंट्स, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, सॉर्ट ऑफ फॉर्मल लुक में चल रही है। इसके साथ आप ब्लेजर भी पहनो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने पैंट्स ली, मुझे बड़ी ज्यादा अच्छी लगी। इसमें पॉकेट्स भी हैं तो आप थोड़ा स्टाइल भी मार सकते हैं, इसे पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं। ये मैंने भी इसी ब्राउन टॉप के साथ आपको पहन के दिखाई है, बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सी, और हाँ बड़ी लाइट वेट पैंट्स हैं तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मेरा साइज 38 साइज है, अगर आप जानना चाहते हो पैंट्स में तो। ये मुझे, मेरे को 38 साइज है मेरा, बट मैंने ये 36 साइज में ली थी, ये मुझे आ गई। बट सच बताऊं थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि यार सेल पे ना आपको अपना साइज मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ऐसी पैंट्स में ना थोड़ा बहुत साइज नीचे चल भी जाता है। तो मुझे 36 साइज मैंने ले लिया, तो ये भी ठीक ठाक आ गई। और ये एंकल लेंथ की पैंट्स है, काफी अच्छी है, इसको मैं हील्स के साथ पहनूंगी। तो दोस्तों, मेरी बड़ी निगाहें ढूंढ रही थी कोई जीन्स मिल जाए मुझे सेल पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो मुझे एक जीन्स मिली, ज़्यादा ऑफ नहीं था इस पे, बट बोलते ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मुझे ये रिब वाइड लेग जीन्स चाहिए थी, मुझे थोड़ी सी अच्छी लेंथ में ये मुझे मिली। मैंने अपने साइज में 38 साइज में ये जीन्स ले ली। देखो यहाँ से फटी फटी भी है थोड़ी थोड़ी, मतलब अच्छे से भी नहीं फटी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं विंटर्स में ना पहन पाऊँ, तो ये ऐसी जीन्स है जो रिब भी और मैं विंटर्स में भी पहन पाऊंगी। इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइट ब्लू कलर वाली जीन्स, अमेजिंग। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स के, लाइट कलर के टॉप्स के साथ भी चली जाएगी और डार्क कलर के टॉप्स के साथ भी चली जाएगी। जीन्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, फील आ रही है पहन के, बहुत अच्छी जीन्स है। तो यस, मुझे लगा ये सबसे बेस्ट और स्मार्ट परचेज थी मेरी पूरे सेल में। नहीं, मेरे पास एक और चीज़ है, आई विल शो यू, मैं वो भी दिखाऊंगी। तो ये थी जीन्स जो मैंने सेल पे ली। दोस्तों, मेरे साथ धोखा भी हुआ है इस पूरे हॉल में, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने वीडियो भी शेयर की थी अपने चैनल पे, अपलोड की थी जब हम गए थे शॉपिंग करने, इन सब चीज़ों की। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, उसमें ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, ट्रायल रूम बंद हो रहे थे, तो हम जितना भी कर पाए ना शॉपिंग हमने कर ली। और बाद में मेरे को ना ये दो टॉप दिखे थे, तो बट इसके पास ऑब्वियसली मेरे थोड़ा टाइम नहीं था कि मैं इसको जाके ट्राई करूँ। मुझे यूजुअली स्मॉल साइज आ जाता है, तो अपना साइज मुझे पता ही था कि स्मॉल साइज मुझे आ जाएगा। मैंने ये दो टॉप ले लिए जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगे। आजकल ऐसे टॉप चल भी रहे, मैंने किसी यूट्यूबर को भी देखा था, तो मैंने ये वाला टॉप ले लिया स्मॉल साइज में। बट अनफॉर्चुनेटली इसका नेक बहुत ज़्यादा डीप है, तो मुझे नहीं लगता मैं पहन पाऊंगी। और मुझे ना इसका लुक भी समझ नहीं आया, मतलब टॉप तो मुझे लग ही नहीं रहा, नाइट वेयर का कुछ पीस लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगा। बाद में काश मैंने इसे ट्राई कर लिया होता, तो मैंने डेफिनेटली इसे ना लिया होता सेम ये भी टॉप, क्योंकि यार बहुत ही अच्छा प्राइस था ये वाला टॉप, कॉलर वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सच्ची में। बट इसका भी सेम है कि इसके नीचे भी आपको कुछ पहनना पड़ेगा, वो मुझे समझ नहीं आता यार, समझ में इसके नीचे भी कुछ पहना ये हो, तो मेरे को नहीं समझ आए दोनों टॉप। आई विल ट्राई टू रिटर्न देम, शायद मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक जंपसूट भी लिया, और काफ़ी टाइम बाद मैंने एक जंपसूट लिया। लास्ट मैंने लिया था सरोजनी से, वो भी पता नहीं कितने सालों बाद। ये वाला मैंने जंपसूट लिया, बड़ा ही कोजी सा कंफर्टेबल सा है ये। आई नो प्रेस नहीं है, थोड़ा सा ये मिचुड़ा टाइप पड़ा हुआ है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैंने ये बस ट्राई करने के लिए पहना है अभी, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये मैंने लिया था स्मॉल साइज में, यहाँ पे ऐसे नॉट टाई करने के लिए है, और बहुत अच्छा सा लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बड़ा ही कंफर्टेबल। जैसे आप शॉपिंग या फिर ऐसे ही जा रहे हो थोड़ा बहुत बाहर आउटिंग के लिए, तो ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बेज कलर का स्मॉल साइज में मैंने ये जंपसूट लिया, ये आउटफिट। ये जंपसूट की जो लेंथ है ना, वो थोड़ी एंकल से ऊपर ही है, एंकल तक नहीं है, तो मुझे लगता है फ्लैट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्लैट्स टाइप कुछ पहनोगे ना आप, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट मैंने ली है एक ट्यूब ड्रेस, मतलब पार्टी सॉर्ट, मतलब मेरे पास ना सैटिन ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सैटिन
पार्टी वेयर बहुत अच्छा लगता है। इस ड्रेस को मैं अच्छे से स्टाइल कर सकती हूँ, ये मैंने स्मॉल साइज में ली, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो ना तो भी स्मॉल साइज आ जाएगा, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और पहनने में कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब ऐसा शाइन शाइन कलर ना दूर से। और इस ड्रेस को बाय करने का जो मेन रीजन था ना वो था इसका प्राइस। एक आउटफिट, पूरा आउटफिट और एक पूरी ड्रेस आपको अंडर 500 मिल जाए तो आपको अच्छी लगने ही लग जाती है, तो ऐसे ही कुछ इसके साथ हुआ था। तो यस, इस शर्ट को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरी फेवरेट शर्ट। ये मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और कोजी सी लगी। मतलब मुझे ये है ना कि ये यहाँ अभी भी काम आ जाएगी और विंटर्स में भी काम आ जाएगी। ये मुझे मिली ऑफ पे, 50% ऑफ था। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। इसका ये कलर ना नेवी ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कलर भी अच्छा है और कॉर्डरॉय वाला फैब्रिक। ऐसा तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि मुझे पैंट्स मिल जाए या फिर ऐसी ना ड्रेसेस भी आती हैं इसमें। फॉरएवर 21 के पास थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, पर इसमें मुझे ये शर्ट ले ली। पता है ये मेरी ना एक फ्रेंड ने ली थी, एक बार पहनी थी, वो शी लिव्स आउट ऑफ इंडिया, तो उसने वहां के H&M से ली थी। पर मेरे को पता था ये यहाँ पे भी है, बट मुझे उस टाइम ना कॉस्टली लगी थी। मतलब 2000 का प्राइस था मेरा, मतलब मैं विलिंग नहीं थी उस टाइम लेने के लिए। बट फिर मैं सोचती रही और ये सेल पे आ गई, मैंने कहा अब नहीं मैं इसे छोड़ूंगी, ये फिर मैंने ले ली। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैंने स्मॉल साइज में ही ली थी और बहुत परफेक्ट आती है। अगर मैं इसके बटन्स भी बंद कर लूँ ना तब भी बहुत अच्छी आती है, अगर इसे मैं ओवर शर्ट की तरह पहनना चाहूँ तो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। नेक्स्ट मैंने लिया ये पोलो टी शर्ट टॉप मैंने लिया। ये थोड़ा डिफरेंट सा लगा मुझे, मेरे पास ना ब्लैक और व्हाइट का कलेक्शन था, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कलर्स वाला कुछ लिया जाए। मेरे को कलर्स आजकल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका ग्रीन कलर देख के ही मैं इसकी तरफ आकर्षित हुई और ये मुझे अपने साइज में मिल गया। मैंने स्मॉल साइज में लिया। इसके कॉलर भी ना बड़े सॉफ्ट से है, मतलब ऐसे नहीं स्टिफ से है, बड़े सॉफ्ट से कॉलर है, तो बड़ा एलिगेंट लुक देते हैं। इसका साइज मुझे स्मॉल बिल्कुल फिट आ गया। एंड सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसका जो बहुत क्रॉप्ड नहीं है, अच्छी लेंथ में है। मतलब आप इसे डेनिम ब्लू जीन्स के साथ पहनोगे तब भी अच्छा लगेगा। मैंने इमेजिन किया था कि मैं ऐसे ना डेनिम शॉर्ट्स है मेरे पास एक, उसके साथ पहनूंगी। मतलब ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल और नीचे शॉर्ट्स, और नीचे आप कुछ भी पहन सकते हो, जीन्स भी अच्छी लगेगी, डेनिम स्कर्ट भी अच्छी लगेगी, बट मैं ये सोच रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसके बटन्स क्वालिटी अमेजिंग है और अच्छे प्राइस में मिल गया। जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी कि बहुत स्मार्ट परचेज है, वो है ये हील्स। बहुत ही मतलब एकदम ना ट्रेंडी हील्स है। अरे यार पीछे से तो देखने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि इतनी अच्छी हील्स ना काफी बार पहनी जा चुकी है ये हील्स। ये वाली हील्स ली, इसका ओरिजिनल प्राइस था 1500 रुपए, बट ये अराउंड 800 रुपए की मिल गई और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, मस्ट से। मतलब फुटवेयर भी H&M इतना अच्छा बना सकता है, बहुत अच्छा। इसकी हील्स देखो बड़ी स्लीक सी और ज्यादा हाई हील नहीं है, मतलब कि बड़ी हील हाई है और ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें ब्लैक कलर भी है, अगर आप लेना चाहें तो ब्लैक भी ऑप्शन है, बट मुझे लगता है ब्लैक ना मेरे पास ऑलरेडी एक हील थी तो मैं चाहती थी कुछ ऐसे कलर में मिल जाए, ये वाले कलर में, मतलब न्यूड सॉर्ट ऑफ बेज या न्यूड है। मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में मुझे आप प्लीज बताएं कि आपको सबसे अच्छा आउटफिट, मतलब टॉप या कुछ भी, क्या सबसे अच्छा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत सारे आपके लिए ला पाऊं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, सो बाय। सारा दिन लाता नी तू सजण सजाउण दे सूरज।